नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सभी नेशनैलिटीज के बच्चों को नई शैक्षणिक सत्र के लिए ओमान में भारतीय स्कूलों में प्रवेश लेने की अनुमति होगी। ओमान में भारतीय स्कूलों के निदेशक मंडल के एक सदस्य ने कहा कि सभी राष्ट्रीयताओं के प्रवासी छात्रों को अनुमति देने का निर्णय देश में भारतीय स्कूलों में अब उपलब्ध सीटों की बड़ी संख्या के कारण लिया गया है। भारतीय स्कूलों में लगभग 39,000 छात्र पढ़ रहे हैं, जो लगभग 46,000 के शिखर से नीचे है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने बुधवार को अपने ओमानी समकक्ष सैयद बदर अल-बुसैदी के साथ चर्चा और बातचीत की, जो वर्तमान में ईरान का दौरा कर रहे हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा कई मुद्दों और आपसी विकास की समीक्षा की, विशेष रूप से वियना टॉक्स के परमाणु समझौते पर लौटने और जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर चर्चा की गई। सेंट लूसिया ने मंगलवार को एक्सपो 2020 दुबई में अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, जिसमें बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण और वैश्विक सहयोग और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए विकास और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह समारोह सेंट लूसिया के 43वें स्वतंत्रता दिवस के साथ मनाया गया। टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस मंत्री और एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नायान बिन मुबारक अल नायान ने सेंट लूसिया के उप प्रधानमंत्री और पर्यटन, निवेश, क्रिएटिव इंडस्ट्री, संस्कृति और सूचना मंत्री डॉ. अर्नेस्ट हिलेयर के नेतृत्व में सेंट लूसिया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। रुजनामा एंटरप्राइजेज एंड ट्रेडिंग ने 2022 के दूसरे क्वार्टर में ओमान सल्तनत में रियल मैड्रिड क्लब से संबंध पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अकेडमी शुरू करने के लिए मैड्रिड में रियल मैड्रिड फाउंडेशन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। स्पेनिश रियल मैड्रिड फाउंडेशन ने बुधवार को एक बयान में ट्वीट करके कहा, अकेडमी का उद्देश्य कम उम्र में युवाओं के लिए खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित और परिष्कृत करना है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कोच द्वारा नवीनतम प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त होगी। आज के खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।